अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला उस्मान जन पट्ठा उमर गुज्जर आपके स्क्रीन के सामने। उनका मुकाबला छोटा विकी फादी बाजवा से है। एक बड़ा टाकरा दोस्तों, वीडियो को आपने शेयर करना है। लो जी दोस्तों, बड़ा मुकाबला। पहला बॉल अच्छा किया यहाँ पे शहजाद चिन्यूट ने। नेक्स्ट बॉल जी सामना करेंगे उमर गुज्जर फ्रॉम गोजरा। सेमीफाइनल मुकाबला है, 5-5 ओवर्स हैं। बल्ले का किनारा लगा है, 4 रन मिलेंगे इस दफा। उमर गोजरा पहला चौका। नेक्स्ट बॉल जी सामना करेंगे उमर गोजर। शॉट किया, गेंद का उठाया उमर गुज्जर ने, अप इन द स्काई, छोटा विकी कैच पकड़ लिया गया। आज ही यहाँ बड़ी मछली उमर गुज्जर की ने इसका खात्मा, पहली विकेट गिरती हुई यहाँ पे। अब सारी जिम्मेदारी उस्मान जन पट्ठा पर होगी, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे उस्मान जन पट्ठा सामना करेंगे। शॉट किया लेकिन यही बॉल किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यहाँ पे शहजाद चिन्यूट, बिल्कुल यहाँ पर अप्रिशिएट करती हूँ तमाम टीम। और मैच में बड़ी वापसी, फादी बाजवा बिल्कुल खुशी में, छोटा विकी आ रहे हैं, बड़ी साइड है एक। और मैच में वापसी यहाँ पे टीम भगवाला वन सियालकोट की जानब से, क्योंकि जानते थे उस्मान जन पट्ठा डेंजरस बल्लेबाज है, कुछ भी कर सकते हैं। एक ओवर में 8 रन दिए शहजाद चिन्यूट ने। दूसरे ओवर का पहला बॉल निकाश लेफ्टी सामना करेंगे अमीर मावी डस का। शॉट किया, पहली बॉल पे हमला, पहली बॉल पे गेंद को उठा दिया दफा अमीर मावी डस का। क्या बात है, अच्छे बल्लेबाज हैं। और बताया कि भाई मैं मौजूद हूँ, अगर कोई बात नहीं बल्लेबाज आउट हुए हैं तो मैं कर सकता हूँ अच्छी बल्लेबाजी। और रन की तादाद बढ़ती हुई 14। नेक्स्ट बॉल जी सामना करेंगे, ओहो आटा पेस निकाश लेफ्टी, बिल्कुल लेंथ बॉल की है इस दफा, जो टीम जीतेगी वो टकराएगी सलमान सल्ली और सलमान भट्ट से। शॉट किया, शॉट ऑफ द नाइट, क्या शॉट खेल गया यहाँ पे अबूबकर डस्का, क्या जबरदस्त अंदाज से शॉट खेला है इस दफा, फ्लिक किया। और बिल्कुल टैलेंट मौजूद है सियालकोट की सरजमीन हो और टैलेंट ना हो ये तो नहीं होगा, फ्लिक शॉट किया। एवी को अंपायर क्रॉस किया, शॉट किया, शॉट बेहतरीन इस दफा, दोबारा कनेक्शन किया है, अच्छी बल्लेबाजी कर रही है टीम साही 11 डस्का। और इस ओवर में 3 छक्के आ चुके हैं और मेरे ख्याल से 22+ रन आए हैं, यानी 2 ओवर में 30 रन आ चुके अभी तक, 2 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। अबूबकर सामना करेंगे, अच्छा बॉल इस दफा, लेग कटर किया है, अच्छा बॉल डाला यहाँ पे शहजाद चिन्यूट, क्रॉस किया, अच्छी बॉल इस दफा, जब पे फील्डर पहुंचते हैं 4 रन मिलेंगे, अच्छी बल्लेबाजी अबूबकर और अमीर माविया की जानब से, बिल्कुल पार्टी को ज्वाइन किया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। नेक्स्ट बॉल जी सामना करेंगे अमीर माविया, शॉट किया, दोबारा से गेंद हवा में, दोबारा से कैच, फादी बाजवा इस दफा कैच पकड़ लिया है। और बिल्कुल यहाँ पे अमीर माविया वापस जाते हैं, पवेलियन वापस जाना पड़ेगा, एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, बिल्कुल टीम अप्रिशिएट कर रही है यहाँ पे। और बड़ी मछली काबू की, जानते हैं कम से कम रन रोकते हैं टीम को तो बात बन सकती है। 3 ओवर्स में 38 रन आए हैं, 2 ओवर्स का खेल मजीद बाकी है। यासीन यंगस्टर बॉलर है, इस ओवर में सुपर बॉल भी होगा और देखते हैं अबूबकर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। पहला बॉल जी, पहली बॉल, पहला छक्का, अबूबकर अभी बाकी है दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, मैच आपने पूरा देखना है। छोटा विकी की बल्लेबाजी भी बाकी है जो कि बिल्कुल बॉलिंग साइड पर मौजूद है, उनका साथ फादी बाजवा है। पहली बॉल पे छक्का आ चुका है, 44 रन आ चुके हैं, 11 बॉल मजीद बाकी है। शॉट किया, हमला, स्क्वायर लेग के इंतखाब इस दफा, अबूबकर डस्का क्या धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और चार्ज करते हुए यहाँ पर 4 छक्के कर चुके हैं। अबूबकर डस्का की बात की जाए तो रन की साथ बढ़ी 50, 2 बॉल पे 2 छक्के आ चुके हैं, बॉल पे छक्का आते 5000 का ऐलान है। यासीन इस दफा तेज बॉल डाला है, जी हाँ यासीन ने बताया कि भाई 5000 मैं नहीं आने दूंगा। और मजीद 9 बॉल्स बाकी हैं, 9 बॉल्स से फैसला होगा टारगेट का, कितना टारगेट बनाएगी टीम साही 11 डस का। 3 बॉल्स से 20 रन दे चुके हैं, 9 बॉल, 7-4 रन मिलेंगे या 6 रन, अंपायर के इशारे का इंतजार होगा। बिल्कुल यहाँ पे 3 बॉल्स पे 25 रन दे चुके हैं, तो मजा जब होगी सुपर बॉल, अगर बॉलर डॉट करते हैं तो ओवर जाएगा, अगर बल्लेबाज छक्का करते हैं तो 12 रन आएंगे, 7 बॉल्स भी बनेगी बोनस। सुपर बॉल 63 आ चुका अभी तक, शॉट किया 6 रन, अबूबकर डस्का क्लास शो कर रहे हैं, क्या धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं अबूबकर
दशका की बात की जाए तो, और 12 रन आएंगे इस बॉल पे, जो रन की तादाद है वो 75। और बिल्कुल इनाम यहाँ पे ब्रॉडकास्टर की जानब से इनाम दिए जा रहे हैं, यंग टैलेंट को प्रमोट किए जा रहे हैं यहाँ पे, और नसीबुल्लाह लाइटिंग की जानब से इनाम दिए जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी अबूबकर दशका की जानब से, क्या धुआंधार बल्लेबाजी की है, बिल्कुल उस्मान जन पट्ठा, उमर गुज्जर है अमीर माविया की जानब से, आउट होने के बाद एक चार्ज संभाला था और बिल्कुल चार्ज कर रहे शॉट किया है ये दफा, और रन की तादाद 4 ओवर में आई थिंक आ चुकी है 76। 4 ओवर में 76 रन आ चुका है, 3 ओवर में 38 रन थे, महंगा ओवर। अगले बॉल जी शाह चनूट सामना करेंगे बकर, अच्छा वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यहाँ पे और अच्छी वापसी, शॉट किया, गेंद को उठाया इस दफा 6 रन के लिए, अबूबकर दशका की जानब से अच्छी बल्लेबाजी, चार्ज कर रहे हैं और आखिरी गेंद बाकी है, टारगेट का फैसला हो जाएगा इस बॉल पे, शहबाज चनूट बॉलिंग कर रहे हैं, 84 रन आ चुके हैं आखिरी बॉल आखिरी ओवर का, शॉट किया फ्लिक किया यहाँ पे, छोटा विकेट मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 2 रन की कॉल है लेकिन नहीं आउट किया यहाँ पे, 5 ओवर का खेल मुकम्मल, सेमीफाइनल मुकाबला है और 85 रन आए, 86 रन का टारगेट होगा 5 ओवर में, 30 बोले हैं 86 का टारगेट, अब देखते हैं छोटा विकेट इफादी बाजवा किस तरह दूसरी इनिंग्स का आगाज होगा दोस्तों, 86 रन का टारगेट छोटा विकेट आपकी स्क्रीन के सामने, दूसरी इनिंग्स का आगाज उनके साथ देंगे सरमद हमीद फ्रॉम जेलम, दोनों डेंजरस बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, पहला बॉल अच्छा किया यहाँ पे बॉलर ने, अब सामना करेंगे सरमद हमीद, नेक्स्ट बॉल जी बॉलर दोबारा से अंपायर क्रॉस किया, शॉट किया इस दफा 6 रन, सरमद हमीद जेलम पहला छक्का, और दोनों जो डेंजरस बल्लेबाज वो मौजूद है छोटा विकी एंड सरमद हमीद, और जानते हैं कि कच्चा टारगेट एक बड़ा मुकाबला है, प्रेशर मैच है, शॉट किया, गेंद को उठाया इस दफा, गेंद क्राउड के अंदर, सरमद हमीद जेलम बिल्कुल खामोश था बल्ला लेकिन कनेक्शन करना शुरू कर दिया है, पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 15 रन आए हैं और 24 गेंदें बाकी हैं, जो रन की तादाद है वो मेरे ख्याल से 71 रन बाकी हैं, अगले बॉल जी शॉट किया इस दफा, गेंद को उठाया छोटा विकी पहला छक्का, रन की तादाद 21 आ चुकी है अभी तक 7 बॉल्स पे, और 86 का टारगेट है छोटा विकी, जब तक विकेट मौजूद है उनके साथ सरमद हमीद है, एक लंबी बैटिंग लाइन अप है टीम के पास, अगले बॉल जी शॉट किया, क्या शॉट खेल दिया इस दफा, बिल्कुल छोटा विकेट अप्रिशिएट कर रहे हैं और क्राउड तालियां बजा रहे हैं सरमद हमीद के लिए, क्या जबरदस्त शॉट लगाया है सरमद हमीद फ्रॉम जेलम ने, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों, छोटा विकेट एंड सरमद हमीद बिल्कुल चार्ज कर रहे हैं, अगले बॉल जी बॉलर शॉट किया इस दफा, गेंद को उठाया और कैच पकड़ लिया है, आउट होगा जी हाँ, छोटा विकेट इनिंग का खात्मा, बड़ी मछली काबू की यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे कैच पकड़ा था, मुमकिन कैच था और एक बड़ी मछली यहाँ पे, अब सारी जिम्मेदारी सरमद हमीद जेलम पर होगी, बड़ा मुकाबला है, एक बड़ा विकेट यहाँ पे निकाला है समी वटोरी ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार, अब उनका साथ देख 19 बोले हैं, 53 रन बाकी हैं, एक बड़ा टाकरा है और अब देखते हैं डाक गोट से कौन से बल्लेबाज, मेरे ख्याल फादी बाजवा बल्लेबाजी पर आएंगे, उनका साथ देंगे सरमद हमीद जेलम, 19 बॉल दरकार हैं, शॉट किया पहली बॉल पर गेंद को उठा दिया फादी बाजवा 6 रन के लिए, और फादी बाजवा की बात की जाए तो ऑल पाकिस्तान खेलते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अब 47 रन बाकी है मेरे ख्याल से 18 बॉल्स पे, फादी बाजवा और सरमद हमीद मौजूद है, कर सकते हैं, उमर गुज्जर बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे सरमद हमीद, 50 रन बाकी है 18 बॉल्स पे, सामने सरमद पहला बॉल अच्छा किया यहाँ पे लेग कटर, और अब 17 बोले होंगी, 17 बॉल्स पे जो रन की तादाद है 49 है, 17 बोले 49, शॉट किया फादी बाजवा, गेंद को उठाया इस दफा, 2 बॉल्स पे 2 छक्के कर चुके फादी बाजवा और 7 मिलेगा 9 बॉल, हर छक्के पर इनाम है फादी बाजवा के लिए,
और बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं, मुनफरद बल्लेबाज हैं सियालकोट से, 11 बोले हैं, 7 छक्के बाकी हैं। अच्छी बॉल इस दफा, स्लो बॉल डाला है, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट बॉल, शॉट किया, गेंद को दोबारा उठाया इस दफा, स्क्वायर लेग के इंतकाब, फादी बाजवा बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कैप्टन ही वाली पारी खेल रहे हैं। रन की तादाद बढ़ती 50, 36 रन बाकी है मजीद, 3 छक्के लगा चुके हैं फादी बाजवा, शॉट किया, गेंद को दोबारा उठाया, गेंद हवा से बातें करती हुई और गेंद सीधी दोस्तों क्राउड के बाहर जाएगी, हर छक्के पर इनाम फादी बाजवा की, फादी बाजवा के लिए आउटस्टैंडिंग मुकाबला, आउटस्टैंडिंग मैच और बिल्कुल क्राउड सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इनाम देने के लिए आ रहे हैं, ये मोहब्बत है अवाम की फादी बाजवा के साथ, जब बल्लेबाजी करते हैं, 4 छक्के आ चुके हैं अभी तक और अगर एक छक्का और करते हैं तो 5,000 का इनाम होगा। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रायपुर फार्म में है वकार भाई एंड अयूब भाई इनाम देते हुए यहाँ पे। अगले बॉल जी, शॉट किया, गेंद को उठाया इस दफा, छक्कों की हैट्रिक, 5वां छक्का फादी बाजवा की जानब से, डोमिनेट कर रहे हैं और 3 छक्कों पर 5,000 का इनाम था फादी बाजवा के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल चार्ज कर रहे हैं, जानते थे बड़ा मुकाबला है, 5 छक्के कर चुके हैं अभी तक और बच्चे इनाम देने के लिए आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यार, क्या वन मैन शो कर रहे हैं और बिल्कुल मैच को अनसेट कर दिया फादी बाजवा ने, जो टीम मुकाबला जीतेगी वो फाइनल में क्वालिफाई करेगी। 12 बोले हैं, 4 छक्के, पहला बॉल, पहली बॉल, पहला छक्का, मिडविकेट का इंतखाब इस दफा, धुआंधार बल्लेबाजी, 86 का टारगेट यहाँ पे आसान कर दिया है फादी बाजवा एंड सरमद अमीद ने और मजीद आई थिंक 18 रन बाकी है, 8 छक्के पर इनाम देते हुए यहाँ पे और आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यहाँ पर सरमद अमीद एंड फादी बाजवा की जानब से। अगले बॉल मिलेगा, दोबारा से अंपायर क्रॉस किया, दोबारा से 6 रन, दिस इज क्लास, बैंड ऑफ सरगोधा, सरमद अमीद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो टारगेट है वो बिल्कुल चेस करने के यहाँ पे नजदीक पहुंच गई है टीम बगवाला वन सियालको। बॉल बॉलर, आहो मलिंगा इस दफा बाउंस छोड़ा है, वन हैंड बाउंस छोड़ा है इस दफा, नेक्स्ट बॉल मिलिंगा, शॉट किया, हमला बल्लेबाज की जानब से, क्या अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ पे, चार्ज किया यहाँ पे और 86 रन का टारगेट चेज किया यहाँ पर फादी बाजवा एंड सरमद हमीद ने, बिल्कुल यहाँ पे 3.3 ओवर में 86 रन का टारगेट चेज कर दिया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यहाँ पे सरमद हमीद एंड फादी बाजवा।